गाजीपुर से किरण नाय, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। डीएमएसपी ने सुनी फरियाद, सेवराय सहित सभी तहसीलों में हुआ संपूर्ण समाधान दिवस आयोजन। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर गाजीपुर जिले के सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 542 प्रार्थना पत्र आए और मौके पर 33 मामलों का निस्तारण किया गया। इसी क्रम में सेवराय में मुख्य संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां सुनवाई के लिए जिलाधिकारी आर्यका अखौरी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हीराज राजा पहुंचे। इस दौरान उनकी अध्यक्षता में कुल 120 मामले आए, जिसमें से मौके पर डीएम ने 8 मामलों का निस्तारण किया और शेष के लिए टीमें गठित करके मौके पर जाकर मुआयना करके पारदर्शी निस्तारण करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में जमानिया में एडीएम दिनेश कुमार पहुंचे और उनके सामने कुल 56 मामले आए, जिसमें से मौके पर सिर्फ 4 का ही निस्तारण हो सका। सैदपुर में एसडीएम के सामने आए कुल 37 में से 3 जखनिया में, 147 में से भी महज 3 सदर में, 26 में से भी 3 मोहम्मदाबाद में, 97 में से मौके पर 7 और कासिमाबाद में 62 में से 5 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष के लिए टीम भेजी गई। डीएम ने शिकायतों का निस्तारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अविलंब मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करते हुए निस्तारण कराएं। साथ ही आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों भी आगामी 3 दिनों में शत प्रतिशत निस्तारण करने का निर्देश दिया। कहा कि इन निस्तारणों की समीक्षा सीधे शासन स्तर से होती है, इसमें लापरवाही पर संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस मौके पर सीडीओ संतोष कुमार वैश्य, सीएमओ डॉक्टर देशदीप पाल, डीडीओ सुभाष चंद्र सरोज, पीडी राजेश यादव आदि रहे।